फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट टुडे। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। संजय बिहार कॉलेज रांची ने अपना रिजल्ट जो है सेकंड लिस्ट वो निकालना स्टार्ट कर दिया है और लगभग सभी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ गया है। अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो जिनका एग्ज़ाम पहले हुआ था और जिनका इंटरव्यू नहीं था उनका सेकंड लिस्ट आ चुका है। और यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है बी ए सोशोलॉजी वालों का, और BBA वालों का लिस्ट आना अभी बाकी है सेकंड लिस्ट, और पॉलिटिकल साइंस वालों का, इनका सबसे आखिरी में हुआ था एग्ज़ाम और इंटरव्यू था इसलिए इनका लेट हो रहा है। पर बाकी सब्जेक्ट्स देखें अगर साइंस की, आर्ट्स की और जो वोकेशनल कोर्स हैं उनका तो आ गया रिजल्ट, आप सेकंड लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि थर्ड लिस्ट आता है या नहीं। अगर आपका सेकेंड लिस्ट में भी नहीं हुआ है आप तो क्या कीजिएगा आप, तो जिससे आपको एडमिशन हो जाए। और इस वीडियो में मैं सारी कमेंट्स की रिप्लाई करूंगा जो मुझसे पूछ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस उस पर मैं बतलाऊंगा आपको, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए बतलाता हूं सबसे पहले कि थर्ड लिस्ट आता है कि नहीं। तो यहां पर मैं बता दूं कि जो थर्ड लिस्ट है वो कॉलेज नहीं इस बार ला रही है। बहुत बार होता था कि थर्ड लिस्ट आता था क्योंकि बहुत बच्चे बच जाते थे, पर मैंने इस बार देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को सेकेंड लिस्ट में ही सेलेक्ट कर लिया गया है, जिसके चलते थर्ड लिस्ट नहीं आएगा। और अगर सीट भी बचती है तो थर्ड लिस्ट वालों का यहाँ पर लिस्ट नहीं आएगा, इसलिए एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है जिससे सीट बच जाते हैं तो आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए प्रिंसिपल को, अगर वो बोलते हैं कि हाँ थर्ड लिस्ट का सीट बच गया है तो आपको एडमिशन वो दे देंगे, रिक्वेस्ट कीजिएगा आप। तो क्योंकि वहाँ पर सीट बच जाने के बाद वो सीट खाली ही रह जाता है, बाद में हो सकता है कोई डोनेशन देकर आ जाए तो वो अलग सी बात है, पर खाली रह जाता है अगर सेकंड लिस्ट में कोई एडमिशन नहीं लेता है तो। पर जो ये एडमिशन का प्रोसेस है थर्ड लिस्ट का तो नहीं लिस्ट आने वाला है, पर जो डेट है वो सेकंड लिस्ट वालों के एडमिशन के बाद आप एक बार जाकर पूछिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए। अगर आपका सेकंड लिस्ट में नहीं आया तो चांसेस है आपको वो दे दे, अगर सीट बचा हुआ हो तो आपका एडमिशन ले लें वहाँ पर। और इस बार ओरिएंटेशन का डेट भी आ गया है 15, 17, 18, ये डेट है आपका। और आर्ट्स वालों का सबसे आखिरी में है 18 तारीख को ओरिएंटेशन, सबसे पहले है BSc फिर BCom। तो आप उस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप उसको देख लीजिए, आपको वहाँ पर जानने को मिलेगा उस वीडियो पे बहुत सारी चीज़ें जिसको मैं बता चुका हूँ उस पर। और बहुत को मेरे से ये भी पूछ रहे थे कि क्या ड्रेस है, ड्रेस कौन सी पहनने है, तो मैं फिर से बतला दूँ, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस पे, तो मैं यहाँ पर बतलाता हूँ कि BA जो है BA सोशल मतलब जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस के, तो उस पे आपका ड्रेस नहीं है, पर ह्यूमैनिटीज़ जिसमें आते हैं इंग्लिश हिंदी के कोर्स और लैंग्वेज के, तो उस पे आपका ड्रेस है BA का, मैं बतला रहा हूँ ये BA में आपका इस पे ड्रेस नहीं है, सोशल जो सोशल के सब्जेक्ट है सोशल साइंस के और जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है उस पे आपका ड्रेस है। BCom वालों का ड्रेस है या नहीं, तो BCom वालों का ड्रेस है, बगल के शॉप में आप जाकर पूछिए आपको वहाँ पर मिल जाएगा। BSc वालों का भी ड्रेस है, BSc वालों को भी वहाँ ड्रेस पहनना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है अपना, जो यूनिफॉर्म अवेलेबल है कॉलेज पे तो आप उसको पहनिए। वोकेशनल कोर्स वाले का भी यहाँ पर रहता है आपका, और BBA का जो है उसका भी आपका मतलब कि ड्रेस रहता है, तो यूनिफॉर्म जो है आप उसको पहनना होगा आपको और वो सिलवाना होगा। अगर सिलवाते नहीं हैं आप यूनिफॉर्म नहीं लेते हैं तो आपको कुछ दिन तक वहाँ पर अलाउ है, पर उसके बाद आपको अलाउ नहीं करती है कॉलेज, तो आप उसको पहन लीजिएगा। मेरे पास कमेंट आ रहा है कि हॉस्टल कौन से, मतलब कि अगर कोई हॉस्टल है तो हॉस्टल पे वीडियो बना दीजिए कि कहाँ हॉस्टल, तो मैं उस पे एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी मैं बता दूं अभी, अगर आप क्रिश्चियन स्टूडेंट हैं और ST है या SC है तो आपको संजय बिहार कॉलेज रांची यहाँ पर हॉस्टल जो है वो प्रोवाइड करती है, आप उस हॉस्टल पे रह सकते हैं। और ये सिर्फ क्रिश्चियन स्टूडेंट्स के लिए हैं, और ST SC OBC ने OBC नहीं, यहाँ पर OBC 1 में है, काफ़ी लड़के रिक्वेस्ट करके रह लेते हैं, अगर आप OBC 1 से बिलोंग करते हैं, अगर आपको रहना है उस माहौल में, अगर आप खुद को रख सकते हैं तो आप वहाँ पर रह सकते हैं वहाँ पर, अदरवाइज आप को वहाँ पर अलाउ नहीं किया जाता है ज़्यादातर, पर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे वहाँ पर सिर्फ ST SC और क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स हैं उनका अलाउ किया जाता है कॉलेज की तरफ से, ये नोटिस भी आ गया है। और मैं बता दूं कि यहाँ गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स अगर आप हैं तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे हॉस्टल रांची में अवेलेबल है, आपके लोकेलिटीज़ आपका जो वहाँ से आसानी पड़े आप वहाँ जाकर रहिए, आपको बहुत सारे जोन मिल जाएंगे जो हब है हॉस्टल्स का, जैसे कांटा टोली, लालपुर, और आपका यहाँ मेन रोड में भी बहुत सारा है
बगल में ही 100 फुट में भी आपका प्रोवाइड हो जाएगा बहुत सारे हॉस्टल्स। तो इसलिए हॉस्टल से आपको टेंशन नहीं लेना है कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। और बता दूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि सारे वीडियोस को जल्दी जल्दी अपडेट कर दूँ, क्योंकि एडमिशन तो स्टार्ट हो गया है और लगभग सेकंड लिस्ट का भी एडमिशन हो जाएगा और ज़्यादा दिन बचा नहीं है क्लास स्टार्ट होने में। ओरिएंटेशन के 1 या 2 दिन बाद आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, पर ओरिएंटेशन आखिरी 18 है तो उम्मीद की जाती है कि 19 या 20 से आपका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा ओरिएंटेशन के दिन कि किस दिन से क्लास है। तो आप इस पर ज़्यादा सोचिए मत, आप बस ओरिएंटेशन में चले जाइए, आपको बहुत सारे चीज़ मिलेंगे जानने को। और मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत कोई पूछ रहे थे ओरिएंटेशन में जाना ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर बता दूँ ज़रूरी तो नहीं है, पर आप वहाँ ओरिएंटेशन में ज़रूर जाइए, उसको विज़िट कीजिए, क्योंकि उस दिन बहुत कुछ जानने को मिलता है। रूल रेगुलेशन, क्या ड्रेस है और यूनिफॉर्म के मतलब यूनिफॉर्म क्या है, और बहुत कुछ टीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो उस दिन अच्छा रहता है, अगर आपको मन है तो उस दिन ज़रूर जाइए। और हाँ, मेरे से कमेंट करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ जानना हो तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, जिससे बहुत बेनिफिट करता है वो स्टूडेंट्स को। और आपकी जो रिक्वेस्ट रहती है उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, तो ओवरऑल देखा जाए तो बेनिफिशियल है आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और मैं सारे वीडियोस कमेंट्स के जो रहता है रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कुछ कुछ कमेंट रह जाते हैं तो उन्हें बाद में देखता हूँ, तो कमेंट कर लेता हूँ। अगर मेरा रिप्लाई नहीं आए तो सॉरी, अगर कभी कभी हो जाता है कि आप दूसरे के कमेंट में जाके कमेंट करते हैं तो उसमें दिक्कत होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।